नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। अजो सरदार सरोवर बांध के फायर स्टेशन के सामने जो लोग राली गला करके अपना जीवन गुजारा करते हैं, उन लोगों को आज प्रशासन तंत्र द्वारा दूर किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस विभाग की उपस्थिति में किया गया। इन लोगों को दूर करने का कारण प्रशासन तंत्र की ओर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रवासी ज्यादा आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इन गरीब लोगों को दूर किया जा रहा है। यहाँ पर गुजरात सरकार गरीबों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर सरकारी प्रशासन तंत्र द्वारा ऐसे ही गरीब लोगों की रोजगारी छीनी जा रही है, जिसके कारण सरकार की छवि लोगों में विपरीत आ रही है। क्या गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ऐसे गरीब लोगों की आवाज को सुनेंगे? इस पूरी कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने प्रशासनिक अधिकारी से बात की, साथ ही साथ लारी गल्ला करने वाले लोगों की भी पीड़ा को जाना। नर्मदा गुजरात से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। पानी और हनुमान मंदिर के पानी एक कुंडा लाते हम लोग पानी भरने का। आप यहाँ पर कितने समय से धंधा कर रहे हो? अभी तो एक दो महीना हुआ इधर। अभी आप कहाँ पे रहते हो? बोरा कॉलोनी। पहले कहाँ रहते थे? क्या नाम है आपका? नर्मदा बहन। आज रोज यहाँ पर ये जो कामगिरी जो की गई है वो किसके आदेश से की गई है? वो हमारा उपलाधिकारी ने जो आदेश दिया उसके अनुसार आप देख रहे हो ये सब पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में अभी भी आप व्हीकल देख रहे हो, सब वो व्हीकल पार्किंग एरिया में सब लोगों ने जो पर्सनल लारी वगैरह लगाया है उसकी वजह से ट्रैफिक को अचंड आता है और एक्सीडेंट होने का भी भय होता है, और ये पार्किंग का ही सेफ है इसलिए उन लोगों को उठा रहे हैं। सर, यहाँ पर इन लोगों को आज हटाया गया है, क्या उसके लिए कोई दूसरा विकल्प प्रशासन तंत्र ने तय किया है? वो तो प्रशासन तंत्र ही तय करेगा, वो हमको तो आदेश है। जी, आप यहाँ पर कितने समय से धंधा कर रहे थे? हम यहाँ पे 1988 से हम धंधा कर रहे यही जगह पर। जब जब से चालू हुआ था तब से हम इधर ही धंधा कर रहे थे, तो अभी हमको जो जगह पर थे वो जगह से हमको हटा रहे। साफरा हमारा ऊपर था जहाँ जंगल सफारी बना, हमको हटा के बोरा कॉलोनी भेज दिया है। तो वहाँ पे कुछ धंधा मजूरी तो है नहीं, इधर है तो इधर हमको धंधा मजूरी पहले से हम लोग करते थे, तो यहाँ से भी हमको हटाएंगे तो हम करेंगे क्या? हमको लड़के भी नहीं है साहब। हमारा एक लड़का 2012 में केनल में डूब गया, एक लड़का 2 साल से हमारा चला गया है, उसका कोई पता नहीं। तो हम जीवन कैसे गुजारेंगे, क्या खाएंगे? हमको मजूरी भी नहीं होगा हमारे से। आप अभी कहाँ पे रहते हो? अभी बोरा कॉलोनी। और यहाँ पर आप कितने समय से धंधा कर रहे थे? मैं 1988 से। तो आज यहाँ पर आपको जो दूर किया गया है तो आपने अधिकारी से कुछ पूछा? कोई सब कुछ नहीं गए, सब बात ही नहीं सुनते। कुछ अपन कुछ बोलेंगे तो अपनी बातें कुछ ऐसा ही बोलेंगे, चलो घरों भरो घरों भरो उठो उठो घरों भरो उठो उठो धमकी देंगे। धमकी देंगे तो औरत क्या करेगी? सामान ही भरेगी ना साहब, औरत क्या कर सकते? पुलिस लेके आएंगे, पुलिस बोलेंगे डंडा मारेगी, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर जी गुजरात सरकार तो कहती है कि हम लोग गरीबों को रोजी रोटी दे रहे हैं, गरीबों को रोजी रोटी दे रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमारे हमारे हमने साफरा तोड़ा, हमारा पैसे से हमने ऐसा ही गुजारा करके साफरा बनाया, एक रुपया हमको मिला नहीं है। तो हम बुढ़े आदमी, दो बुढ़ा बुढ़ी क्या कैसे जीवन गुजारेंगे? ये भी नहीं कमाएंगे तो अभी हम जंगल सफारी के पास थोड़े बैठे हैं, ये साहब लोग हमको कोई बोलते नहीं। हम थोड़ा यहाँ जीवन गुजारे, वो भी छुप के बैठे हूँ। अगर आएंगे तो हटा सकती यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से हटूंगी नहीं मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधा बेन बाबूलाल खेड़कर। तो ये थे हमारे राधा बहन खेड़कर, जिनका कहना है कि यहाँ पर हम अपना जीवन गुजरान चला रहे थे, हालांकि यहाँ पर प्रशासन तंत्र द्वारा हमारी रोजगारी आज छीनी गई है। हमने कई बार यहाँ पर अधिकारियों को भी रजूआत की, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता। यहाँ पर गुजरात सरकार गरीबों को रोजी रोटी देने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार के ही सरकारी अधिकारी द्वारा ऐसे गरीब लोगों की रोजी छीनी जाती है। क्या गुजरात सरकार इन गरीबों की बात सुनेगी? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।